जी बेगम साहब जो ना वो इमोशनल हो गई हैं कि मैंने इतनी मेहनत से चैनल बनाया और अपने हाथों से मैं डिलीट कर बैठी हूँ। अच्छा रोए रोए तो ना, और अपने व्यूअर्स रिक्वेस्ट भी कर सकते कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। नहीं जी, इतनी मेहनत थी, इतनी मैंने मेहनत की, इतने शौक से वीडियोस बना रही थी और मैं अपने हाथों से डिलीट कर बैठी हूँ। इतने मोटे मोटे आंसू ना निकाले करे, मेरा दिल कर रहा मैं भी रो लूं। नहीं, व्यूअर्स भी कहेंगे कि पता नहीं इन्होंने क्या ड्रामा बनाया हुआ है, रोज चैनल बनाते हैं फिर सब्सक्राइब के लिए क्या देते हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी बात करना चाहूँगी कि अगर जिन लोगों को यकीन नहीं आता ना, वो जो है किशोर विलेज लाइफ को चैनल को सर्च करें, अगर आता है तो फिर तो है हम वाकई ड्रामा कर रहे हैं, अगर नहीं आ रहा तो फिर प्लीज़। अब मैं क्या कहूँ, बस सपोर्ट के लिए कह सकती हूँ, बाकी पहले जैसे आप लोग मेरी सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही अगर आप कहें तो मैं जो है जो चैनल मेरे पास अभी है क्या मैं उस पर वीडियो अपलोड कर लूँ। शहजाद कहते हैं नहीं, आपने इतने शौक से बनाया था तो आप जो है जो चैनल हमारे पास बचा हुआ है आप उसी पे वीडियो अपलोड करते रहे, तो प्लीज़ आप जो है उस पर अभी जो है अब मैं कोशिश करूँगी कि आज उस पर वीडियो डालूँ चैनल बना के। और प्लीज़ 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 आपकी बहन की ये रिक्वेस्ट है आपकी तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी सपोर्ट करें उस नए चैनल पर। अच्छा जी, बेगम साहब जो है ना इमोशनल तो हो गई हैं, ठीक है ना, मुझे भी थोड़ा सा जो ना बुरा लग रहा है कि क्योंकि देखें इतनी मेहनत करे ना बंदा तो नुकसान हो जाए फिर दुख तो होता है, तो मैं इनको इनकी हिम्मत जो है ना वो तो कि मैं इनकी हिम्मत हूँ, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। दूसरा चैनल जो हमने बनाया ना, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट आप जाएँ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लाजमी कीजिएगा, ठीक है ना, और जो अपने वीडियो हम जो हम डालेंगे वो आप लोगों ने वॉच करनी है, और ताकि बेगम साहब जो दोबारा फिर अपना चैनल हम ग्रो कर सके। बेगम साहब जो ना मैं मतलब अच्छा जी, दूसरी बात मैं आपको करूँ, मैं हूँ इस तरह का, मुझे मतलब कि मेरे चेहरे पे हंसी जो है ना वो रहती है, दुख में भी पता नहीं मुझसे वो वाली शक्ल नहीं बनाई जाती जो होती है ना, कि देखे आपका इतना नुकसान हो गया आप इतने सैड हैं फिर भी आप हंस रहे हैं, शक्ल ही मेरी ऐसी, पता नहीं हूँ मैं ऐसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन कैसे हैं आप सब, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, और मैं हूँ जी शहजाद, आप देख रहे हैं जी शहजाद ऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं, किशोर विलेज व्लॉग देख रहे हैं, और मैं गया हुआ था जी बाहर लेमन लेने के लिए, आज इनकी बहुत ज़्यादा सख्त हमें ज़रूरत थी, और अब्दुल्ला जब आ जाता छत के ऊपर फिर इसने रोना शोना शोना तंग किया होता है, ये छुपे अब ये कहता जी मुझे नीचे जाना, यहाँ से नीचे नीचे दिखाएंगे नीचे क्या हो रहा है भाई, नीचे वाली दुनिया क्या कर रही है, तो वो ये देखे अपनी मम्मा को तंग कर रहा है, अभी कहता जी मुझे दिखाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? मैं करती हूँ सब ठीक होंगे, अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हों। ये जी आपके लेमन। अच्छा जी, टॉपिक हमारा हंस 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 खेल मुस्कुरा वाला नहीं है जी, टॉपिक आज थोड़ा सा सैड हो गया जी, उसकी रीजन ये है कि बेगम साहबा का जो चैनल है जी वो हो चुका है जी डिलीट। और मुझे थोड़ी सी खुशी भी होती है और थोड़ा सा मैं सैड भी हूँ, बिल्कुल भी नहीं है, आप खुश हैं कि बेगम साहबा ने ये जिद की थी, उन्होंने जिद पे चैनल बनाया था और वो जो है वो बस डिलीट हो गया। अच्छा जी, वो डिलीट हो गया, आज से 4 से 5 दिन पहले की बात है कि बेगम साहबा का जो चैनल था ना वो डिलीट हुआ था, और ये रात को मतलब मैंने वीडियो में बताया था कि बेगम साहब जो ना यूट्यूब पे टेक्निकल वीडियो देख रही, वीडियो में मैंने दिखाया भी था, तब ये परेशान थी और वो काफ़ी कोशिश की हमने। हाँ जी व्यूअर, तो मैं आ चुका हूँ जी वापस व्लॉग में, ऐड हो चुके हैं जी, और बेगम साहब यहाँ पे बना रही हैं जी रेसिपी, और आज बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है जी, मेरी तो फेवरेट है और बेगम साहबा की भी फेवरेट है, हमारे पूरे 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 टब्बर की फेवरेट है, और देखते हैं जी हमारी रेसिपी की क्या देर है। हाँ जी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लोग नहीं करते तो ना करें। बहुत सारे औरतों की ना जान जाती है इसको पकाने में, क्योंकि इसमें वक्त बहुत ज्यादा है। हाँ जी, तो आप अभी आसान आसान लफ्जों में बता दें। आसान लफ्जों में जी हम बना रहे हैं बड़े जानवर की ओजरी है, जिसको साफ करना, इसकी स्मेल खत्म करना लोगों को बड़ा ही ज्यादा मुश्किल लगता है। बिल्कुल। तो जी आप लोग जो है मेरे कुकिंग के चैनल पर जाएं, जिनको इतना ज्यादा मुश्किल लगता है वो जाके देखें इसका जो है मैंने साफ करने का तरीका, खुशबू जो खुशबूदार और स्मेल खत्म करने का तरीका मैंने बड़ा ही आसान तरीके से बताया है, और रेसिपी भी जो है। तो ये लेमन आप किस वजह से लेके आई हैं? ये लेमन? हाँ जी, ये लेमन तो ओजरी की स्मेल खत्म करने के लिए। ये भी उसके अंदर ऐड हुए थे? हाँ जी बिल्कुल, इससे मैंने धोए हैं
पहले मैंने सिरके से धोया था, बल्कि कम्प्लीटली तरीका जो है वो मैंने बताया है। पहले मैंने वो सिरके से धोया है, उसके बाद जो है वो पानी गर्म करके उबाल करके उसमें जो उसकी झिली वगैरह उतारी है, उसके बाद लेमन से धो के हमारा पूरा काम। अभी क्या देर है? तो जी अभी तो बहुत सारी देर है, ये देखें जी अभी सारा मसाला वगैरह इसमें मैंने ऐड कर दिया है, उबाइल करने के लिए रखा क्योंकि ये थोड़ी देर से गलती है। चल जी हम मिलते हैं जी थोड़ी देर तक, जब तक हमारी रेसिपी तैयार नहीं ना होती, थोड़ी देर में तकरीबन घंटे बाद एक घंटे बाद आ जाएंगे। और ठीक हो गया। और यहाँ पे जी मेरे दोनों बच्चे जो है ना कबूतरों के खुड्डे के अंदर हैं जी, देखें इनके काम चेक करो। बड़ा तो बड़ा है लेकिन छोटा उससे भी तेज है, वो भी ये देखे कबूतर उनको क्यों तंग कर रही है यार। अच्छा खामोश हो जा, ये देखे आज बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर दरवाजा बंद कर दो, आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ, अब दरवाजे बाहर आ जाओ। नहीं नहीं भाई को बाहर आने दो, ऐसे ठीक हो गया। बस अब तंग नहीं करना कबूतरों को, आ जाओ चले बस। हाँ जी वीवर, तो मैं आ चुका हूँ जी दोबारा छत पे। रेसिपी हमने बना ली थी और फ्री हो गए थे, बेगम साहब बिल्कुल फ्री होंगे अब रेसिपी से। और इन्होंने कहा जी अब मैं जो ना किचन का सामान जो नीचे वाले किचन का लेके आई थी ना वो अब नीचे लेके चलते हैं जी, और उसके बाद भी बाकी काम काज करते हैं क्योंकि आज आपने रेसिपी बड़ी मज़े की बनाई थी यार, कमाल हो गया। हाँ जी, और हमारे हमसायों का टोका भी चल रहा है जी पट्ठों वाला, वो भी आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। और हमारे कुछ बर्तन पड़े हुए थे किचन के, वो भी हमने अभी नीचे लेके जाने थे क्योंकि सारे बर्तन से जो है ना बेगम साहब ऊपर लेके आ जाती हैं, तो नीचे अम्मी जो है ना वो गुस्से होती रहती कि आप बर्तन ऊपर लेके जाती हो नीचे क्यों नहीं लेके आती हैं। तो भी इन्होंने कहा जी मैं नीचे सामान सारा ले जाती हूँ और ऊपर जो क्लोज करने वाला वो क्लोज कर लेते हैं, तो क्योंकि बाद में भी हमें काम आना है। तो इनको आप उल्टा क्यों कर रही हैं ताकि ये गिरे ना? सीधी ऐसे पड़ी होने से गिर जाती है ऐसे। हाँ ये ऐसे गिर जाती है, आवाज चली हुई थी। मैंने कहा ये बड़े एहतियात करना पड़ता है, मिट्टी के बर्तन है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखे हमारे छोटे छोटे गिलास जो है ना वो टूट गए हैं, वो टूट गए हैं, जैसे नीचे गिरनी है चीज फौरन टूट जाती है, फौरन टूट जाती है। बिल्कुल काफी चीजें जो है वो टूट गई है, काफी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो हमारी टूट गई, टूट गए बिल्कुल। तो अभी देखिए बस बची है बिल्कुल, तो अभी चलेंगे नीचे चलते हैं और उसके बाद बाकी काम करते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह जी परिंदा देखे कितना प्यारा बैठा हुआ है, ये देखे इसे आप अपनी जबान में क्या कहते हैं लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। चला गया, हाँ जी चले नीचे। हाँ जी बिल्कुल, सामान सारा मैंने उठा लिया। हाँ जी, और जो इकट्ठा करने वाला था वो मैंने इकट्ठा करके रख दिया सारा। चले जी, और छुरी भी ऊपर पड़ी हुई थी तो वो टोका भी ऊपर पड़ा हुआ था। हाँ सच्ची, वो भी ले आना, वो भी ले, नहीं नहीं ऊपर बच्चे तो बच्चों के लग ना जाए वो। नहीं मैं ऐसे रखा हुआ तो थोड़ी है, गिरने लगी आप के रखा। नहीं आप उठा लें वो नीचे रख लेते हैं। हाँ जी हम आ चुके नीचे और इस साइड पे जी गोबर लगाया जा रहा है, ये गोबर लगाया जाता है ताकि मिट्टी जो है ना वो ना मतलब कि हवा के साथ ऊपर आए, इस वजह से ये लगाया जाता है। ये देखें इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, और इधर बेगम साहब जो है ना वो बच्चों के कपड़े उतार रही क्योंकि कपड़े जो है ना वो सूख चुके हैं, जो गिले वो खड़े रहेंगे और बाकी जो है ना वो उतार लेंगे। हाँ ये तो सूख गए। हाँ जी और कपड़े जो ना वो बेगम साहब उतार लेती हैं और उसके बाद जी अपना व्लॉग भी एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग आज हमने व्लॉग नहीं बनाया था, बिल्कुल भी व्लॉग बनाने को दिल भी नहीं कर रहे थे क्योंकि परेशान थे और इस वजह से व्लॉग भी नहीं बना रही थी बेगम साहब, तो कहती नहीं कि आज मैंने व्लॉग बनाना, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं व्लॉग हम जो थोड़ा बहुत है ना वो बनाएंगे ताकि हम अपने व्यूवर को जो ना ये पैगाम दे सके कि हमारा चैनल डिलीट हुआ है और उस चैनल को हमने बना लिया, दूसरे को कहा था कि हम चैनल बनाएंगे दूसरा वो बन गया, उसका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में है वो आप लोग जाके लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और पहली वीडियो भी अपलोड मैंने कर दी है और कपड़े उतार ले और व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़। आज के लिए माजरत है आज हमने व्लॉग नहीं बनाया, बस आज व्यूवर्स आ जाओ रिक्वेस्ट करनी थी कि मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें बस।